हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रश्मि। आज मैं आई हूँ एक हेयर रेमेडी के साथ। अक्सर मुझे लोग कहते हैं हमारे बाल बहुत ड्राई है, बहुत सॉफ्ट नहीं है, बहुत ही फ्लेकी फ्लेकी से अजीब से हो रहे हैं, जो कि आजकल मेरे भी थोड़े से हुए हुए हैं, थोड़े से ड्राइनेस, बिकॉज हम लोग इतने सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, हम लोग स्ट्रेटनर्स हॉट टूल्स यूज़ करते हैं, तो ऑफकोर्स हमारे बाल जलते हैं, उस वजह से ये ड्राई होते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ रेमेडीज़ करने की ज़रूरत होती है। तो आज मैं एक ऐसा मास्क लेकर आई हूँ जो आपके बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा और आपके बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की भी करेगा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से बनाना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कॉमेंट डाउन बिलो। ऑलराइट, लेट्स सी। तो आइए देखते हैं कि हमें इस रेमेडी के लिए क्या क्या चाहिए होगा। हमें सबसे पहले चाहिए चावल। ये 2 टीस्पून चावल 1 कप पानी में मैंने ओवरनाइट भिगोए थे। आप 6 से 8 घंटे भी भिगो सकते हो। मैंने 10 से 12 घंटे ये चावल भिगोए हैं। सो हमें 2 टीस्पून चावल चाहिए, लेकिन हमें सारा पानी नहीं चाहिए। हम देखेंगे कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ हमें जो चाहिए वो है कोकोनट मिल्क। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, इस तरह से टिन में आता है कोकोनट मिल्क, तो हमें ये चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम सिर्फ चावल लेने की कोशिश करेंगे और हम मिक्सी जार में डाल देंगे इसको। तो जो चावल है मैंने मिक्सी जार में डाल लिए हैं। मैंने सारा पानी नहीं डाला, मैंने थोड़ा सा पानी अलग से निकाल लिया है, इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐड करेंगे, वरना हम नहीं ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम चावल डालेंगे और इसको मिक्सी जार में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट थिंग, हम इसको छान लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इसका क्रीम चाहिए। हमें जो कच्चे चावल है, जो कि जिसका आप देख रहे हो नीचे जो बैठ गए हैं, वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चावल का पानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ योर हेयर, आपने कोकोनट मिल्क इस मिक्सचर में ऐड करना है। और सिंपली इसको हम अब मिक्स कर लेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम ऐड करेंगे वो है हेयर ऑयल। मैं यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम USA का आयुर्मैजिक हेयर ऑयल, जो मेरे ब्रांड का है, आपको मेरी वेबसाइट से मिल सकता है। आप कोई भी हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो, लाइक 1 टेबलस्पून जितना हम हेयर ऑयल इसमें मिक्स कर लेंगे और मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद इस तरह की किसी बॉटल में हम इस मिक्सचर को पोर कर लेंगे। ओके, सो हमारा मिक्सचर बनके तैयार है। इस तरह की मैंने बॉटल ले ली है, जैसे कि मैं हमेशा यूज करती हूँ। मोस्टली मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं इस तरह की बॉटल यूज करती हूँ। ये एप्लीकेशन के लिए इजी रहता है, आपके स्कैल्प के अंदर बहुत अच्छे से हर एक एक लाइन में जाता है, कोई भी कोना बाकी नहीं रहता, आपका बालों के ऊपर भी पोर करने के लिए इजी रहता है, इसलिए मैं इस तरह की बॉटल यूज़ करती हूँ। ये मैंने डॉलर स्टोर से ली थी, बहुत ही सस्ती सी मिलती है। और मैंने जो है इसका नोजल थोड़ा सा कट कर लिया था, थोड़ा इसका होल बड़ा करने के लिए। सो आइए देखते हैं कि किस तरह लगाना है। तो बेसिकली हमने रेमेडी तैयार करने के बाद मैं यूजुअली ऑलवेज सेंटर से शुरू करना पसंद करती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कहाँ कहाँ लगाया है और अब कहाँ बाकी है। थोड़ा केयरफुल रहिएगा बिकॉज ये थोड़ा सा वाटरी है, तो ये ड्रिप करेगा कपड़ों पर।
तो मास्क सर पे लग चुका है और जैसा कि आप देख रहे हो मैंने प्लास्टिक बैग से इसको कवर कर लिया है। एज़ यूजुअल मैं हमेशा सारे मास्क को इस तरह से कवर करती हूँ ताकि स्कैल्प की जो हीट है वो अंदर ही रहे, इसके अंदर हीट जनरेट होगी और मास्क ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होगा हमारे स्कैल्प में। और इस मास्क को आपने 1 से 2 घंटे तक लगा के रखना है, जितना टाइम है आपके पास आप लगा के रखें, 2 घंटे मैक्सिमम। जस्ट वॉश इट विथ रेगुलर शैम्पू, थोड़ा ज़्यादा शैम्पू लेके वॉश करना है ताकि ग्रीस जो है और चिकनाई जो है ईजिली निकल जाए, प्लस आपके बालों में से कोई स्मेल भी नहीं आएगी। एंड अगर हो सके तो जो चावल को पीसने के लिए हमने पानी यूज़ किया था वो कम यूज़ करें ताकि थोड़ा कम लिक्विडी बने, तो फिर ज़्यादा ड्रिप नहीं होगा, बिकॉज एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा ड्रिप हुआ है मेरे ऊपर, तो अभी भी काइंड ऑफ हो रहा है। कम पानी के साथ जितना होगा इतना कम ड्रिप होगा। एंड इसको वॉश करने के बाद इसका क्या रिजल्ट है मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। ओके गाइज, आई एम बैक। तो मैंने शावर लेने के बाद 90% बालों को ड्राई होने दिया एयर ड्राई, और उसके बाद मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए हेयर ड्रायर चलाया है। मैंने कोई स्ट्रेटनिंग नहीं की हुई है, सिर्फ 2 मिनट के लिए हेयर ड्रायर चलाया। गीले बालों में मैंने थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप आर्गन ऑयल हाथों में उंगलियों में लगा के आर्गन ऑयल रख किया, और उसके बाद मैंने ब्लो ड्राई किए बालों को। एंड डेफिनेटली मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट फील हो रहे हैं, आई कैन फील द डिफरेंस। अगर आप ये रेमेडी एटलीस्ट 3 टाइम्स करोगे तो उसके बाद आपको रियली डिफरेंस फील होगा, क्योंकि एक ही दफ़ा में कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा आपको असर नहीं दिखाएगी। एटलीस्ट उसको 3 दफ़ा करो, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा पता चलता है। प्लस मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि वंस अ वीक आपने कोई ना कोई मास्क ज़रूर लगाना है, जैसे बनाना मास्क, योगर्ट मास्क, मेयोनीज का मास्क, बहुत सारे डिफरेंट मास्क हैं। आगे मैं और बहुत सारे मास्क आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन एवरी वीक एटलीस्ट वंस अ वीक आपने कोई ना कोई मास्क ज़रूर लगाना है। एंड स्लोली एंड श्योरली टाइम के साथ साथ आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड टाइम में आपको कुछ पता नहीं चलेगा, डोंट गेट डिसहार्टन्ड, जस्ट कीप ट्राइंग एंड इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट सीइंग अ डिफरेंस इन योर हेयर। तो मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, एंड होपफुली अब मैं इसको और 2-3 दफ़ा जब करूँगी तो मुझे ज़्यादा फ़र्क फील होगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, आपको कोई फ़र्क फील हुआ कि नहीं, किस तरह डिड इट वर्क फॉर यू और नॉट। एंड मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।